और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर एसपी अमित कुमार ने रात्रि में कोतवाली सकल बीहा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। एसपी ने थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए हैं। रात्रि गश्त और चेकिंग, अपराधी की निगरानी रखने, अवैध शराब पशु तस्करी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। एसपी ने यूपी 112 पीआरडी वाहनों का भी लोकेशन ट्रैक करके चेक किया है। सतर्कतापूर्वक पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया। खबर है चंदौली से, जहां पर एसपी अमित कुमार ने रात्रि में कोतवाली का निरीक्षण किया है। और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर एसपी अमित कुमार ने रात्रि में कोतवाली सकल डीहा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। एसपी ने थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए हैं। रात्रि गश्त और चेकिंग, अपराधी की निगरानी रखने, अवैध शराब पशु तस्करी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। एसपी ने यूपी 112 पीआरडी वाहनों का भी लोकेशन ट्रैक करके चेक किया है। सतर्कतापूर्वक पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया। खबर है चंदौली से, जहां पर एसपी अमित कुमार ने रात्रि में कोतवाली का निरीक्षण किया है।